हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टुडे वी डिस्कस केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस सिस्टम दोनों काम करेगा, बट इन प्लांट्स ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। सम हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज हार्मोन्स सीक्रेट्स इन देयर सेल्स। सम केमिकल सब्सटेंसेस स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ एंड सम इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, और कुछ उसको इनहिबिट करता है, रोकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, प्लांट के बहुत सारे काम हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लावर ब्लूमिंग, फ्रूट रिपेनिंग, सेल डिवीजन, ग्रोथ, ये सब कुछ मैनेज करता है ये केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, एबिसिक एसिड, ईटीसी। कुछ और भी हैं इसके अलावा। तो एग्जाम में सारे हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन इनको कहते हैं, इनका नेम और फंक्शन एग्जाम में आता ही है। तो अगर आप पॉइंट वाइज सारे को लिखते हैं, अभी भी आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप नोट जरूर कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, और समझ भी लेंगे, फिर याद कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आइए एक एक करके सारे हार्मोन्स को पढ़ते हैं। ऑक्सिन्स ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ऑक्सिन एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, एंड डिस्कवर्ड बाय अ ग्रेट बोटेनिस्ट एफ डब्ल्यू वेन इन 1928। ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड, कहाँ सिंथेसाइज होता है प्लांट में, कहाँ है? तो ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द शूट एपेक्स, स्टेम का, शूट का जो सबसे ग्रोथ रीजन होता है, टॉप रीजन, वो कहते हैं इन एपेक्स, शूट एपेक्स एंड यंग लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका पॉइंट वाइज फंक्शन। पॉइंट नंबर वन, फंक्शंस, ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ, ग्रोथ के प्रमोट करने में हेल्प करता है, यानी ग्रोथ रेगुलेटर। प्रोमोट्स सेल डिवीजन, सेल इन इलोंगेशन एंड सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंशिएशन। दे हेल्प इन रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट फॉल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव, पार्थेनोकार्पी। व्हाट यू मीन बाय पार्थेनोकार्पी? फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट, यानी बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के ही जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। इसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, इनहेंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। प्लांट का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सीड जर्मिनेशन, ये सब अपटेक ऑफ वाटर, सीड जर्मिनेशन, ये सब सभी को इनहेंस करना यानी बढ़ाना, ये ऑक्सिन्स के फंक्शन है। नेक्स्ट, जिब्रेलिन्स फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जापानीज साइंटिस्ट टी याबुता सुमिकी एंड टी हयाशी इन 1938। जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड, कहाँ इसका फॉर्मेशन है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ यंग एपिकल लीव्स, बड्स, सीड्स एंड रूट टिप्स। फंक्शंस ऑफ
जिब्रेलिन्स। फर्स्ट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में हेल्पफुल। सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिवीजन। पार्थेनोकार्पी, ये अपने पार्थेनोकार्पी पहले ऑक्सीजन में भी पढ़ा था कि क्या होता है, तो इट इज मोर एफेक्टिव, जिब्रेलिन्स आर मोर एफेक्टिव देन ऑक्सीजन्स इन पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट के ग्रोथ के को प्रमोट करने में जिब्रेलिन ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन से। ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में जो सीड होता है, जैसे मान लीजिए आप चना भी रखते हैं घर पे, तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको सुटेबल सारा कंडीशन मिलेगा, सुटेबल कंडीशन मिलने का मतलब है वाटर, टेम्परेचर, सॉयल, उसी आप वाटर में डालते हो तो जर्मिनेट हो जाता है, सॉयल में डालोगे नया प्लांट बनाएगा। तो ये जो इनएक्टिव कंडीशन में था, ठीक है, वो है डॉर्मेंट कंडीशन, ठीक है, वो डॉर्मेंसी के कंडीशन में है या डॉर्मेंट फेज में। और जब ये इस जिब्रेलिन उसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा तो ये स्टिमुलेट करना, तो यानी डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, तब तो वो सीड एक्चुअली जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, ये डॉर्मेंसी के ब्रेक होने से। उसके बाद है इट इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, बड, स्टेम, रूट, इटीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स, सीड के एंडोस्पर्म में एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फंक्शंस, पॉइंट नंबर वन, ब्रेक डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी अभी आप पहले तुरंत समझ पाए हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ये आपको सब में मिल रहा है। दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, कैलस ग्रोथ। टिश्यू कल्चर में आपने पढ़ा था कि जो टिश्यू को लेकर कल्चर मीडिया में रखा गया तो जो उससे ग्रोथ हुआ उसका नाम कैलस था, तो कैलस के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में ये साइटोकाइनिन हेल्पफुल है। इथाइलिन, इट इज ग्रोथ रेगुलेटरी गैसियस हार्मोन एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट में इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पेशली इन सीडलिंग्स सूट एपेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन, ये मेन पार्ट है, ठीक है, सीडलिंग और सूट एपेक्स। फंक्शंस, ग्रोथ एज यूजल सबका है। फ्रूट रिपेनिंग, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इथाइलिन का, फ्रूट रिपेनिंग, फ्रूट के राइप होने में, ब्रेक्स डॉर्मेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, रूट फॉर्मेशन, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, इथाइलिन स्ट्रांगली प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन मोनोसियस प्लांट्स। एंड नेक्स्ट, एबिसिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड ABA, ABA और स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि एडवर्स कंडीशन को ये टॉलरेट करने में हेल्प करता है, ड्रॉट ये सब में। इन्वेंटेड बाय WC Liu एंड HP Cord। फंक्शंस, जस्ट एंटी जिब्रेलिन, एंटी साइटोकाइनिन, सबका उल्टा काम, जैसे सबका काम तो पॉजिटिव था ग्रोथ को बढ़ाना या फिर जो भी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करना, सब वो सबका काम पॉजिटिव था, लेकिन एबिसिक एसिड का काम ये हर चीज में नेगेटिव, देखें ये कैसे हो रहा है, इनहिबिटर, बाकी सब ग्रोथ का प्रोमोटर था, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, तो इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ। इट कॉजेज एजिंग ऑफ लिप्स, प्रोमोट डॉर्मेंसी, बाकी आप पहले क्या पढ़े थे कि वो सब डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है और ये डॉर्मेंसी को प्रोमोट करता है, मतलब डॉर्मेंसी को और बढ़ाने का काम करता है। इन एन इनहिबिटर ऑफ सीड जर्मिनेशन, अगर डॉर्मेंसी को ये प्रोमोट करेगा तो सीड जर्मिनेशन तो इनहिबिट होगा ही होगा।
प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प करता है, जिसने प्रोमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लिप्स, विल्टिंग मीन्स मुरझा जाना, लिप्स के मुरझाने में, उसके गिर जाने में ये प्रोमोट करता है, ठीक है। तो ऐसे तो और भी कई बहुत सारे हार्मोन्स और भी हैं, ये मेन ये आप जरूर पढ़ लेंगे। थैंक यू।